और यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से सच में धड़क की खास बातचीत हुई। जयवीर सिंह ने बताया कि इस बार की अयोध्या की दिवाली नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। राम मंदिर को भी लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने अपनी बात को रखा, क्या कुछ कहा आप सुनिए। देश दुनिया के लिए इस बार अयोध्या की दिवाली बहुत ही खास होने वाली है। इसी पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार यूपी सरकार ने अयोध्या की दिवाली को लेकर क्या खास तैयारी की है। सर, इस बार की दिवाली कितनी खास होने वाली है, खासकर अयोध्या की? देखिए, कई नए नए कीर्तिमान स्थल बनाने का काम होगा। अपना ही पिछले साल का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना रिकॉर्ड दिए जलाने वाला तोड़ेंगे। इस साल हम लोग 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ चाहे लाइट एंड शो साउंड का कार्यक्रम हो, लेजर शो का कार्यक्रम हो, इस तरह के जो कार्यक्रम पिछली वर्षों में अस्थायी रूप से किए जाते थे, वो उनको अब स्थायित्व देने का काम किया जा रहा है। लगातार भगवान राम के जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रम लगातार दिखाने का काम श्रद्धालुओं को, वहाँ जो भक्तगण भगवान श्री राम के हैं उनको दिखाने का काम होता रहेगा। और अन्य अन्य जो भी वहाँ डेवलपमेंट के कार्य हों, श्रद्धालुओं को लोक लुभावन कार्य हों, वो सारे कार्य स्थायित्व लेने का काम अब शुरू कर रहे हैं। में अयोध्या और मथुरा के अलावा टूरिज्म में और किस शहर को आप काम करने वाले, विभाग किस शहर को और लेने वाली है? एक शहर नहीं, हम लोग पूरे प्रदेश में इसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ हमारे पर्यटक आकर्षित होते हैं, श्रद्धालु आकर्षित होते हैं, चाहे ऐतिहासिक स्थल हों, धार्मिक स्थल हों, आध्यात्मिक स्थल हों, चाहे बौद्ध सर्किटें हों, भगवान राम वन गमन पथ हो, चाहे नेमी सारण हो, चाहे हमारी देवी का धाम मिर्जापुर का हो, या अन्य अन्य तमाम जो क्षेत्र हैं, हमारा मथुरा वृंदावन हो, अयोध्या हो, हमारा काशी हो, जो आगरा हो, बटेश्वर हो, इस तरह के जितने भी डेस्टिनेशन हैं जहाँ हम लोग पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और उनकी संख्या में बढ़ाने की और संभावनाएं, उन सबको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर्यटकों को आने जाने की सारी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और इसी के लिए आपको शायद ध्यान हो ना हो, जितने भी पर्यटन डेस्टिनेशन हैं उनको बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपया का बजट PWD को दिया गया है, ताकि वहाँ बेहतर कनेक्टिविटी, अगर चौड़ा करना है तो चौड़ा होगा, सुदृढ़ीकरण करना सुदृढ़ीकरण होगा, कच्चा है पक्का रोड होगा। और साथ ही साथ अभी दीपावली के आसपास हम लोग 2 हेलीपोर्ट गोवर्धन और आगरा दोनों को सक्रिय करने जा रहे हैं, अपनी सेवा देने जा रहे हैं। और बहुत शीघ्र लगभग 1 दर्जन हेलीपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, ताकि हेलीकॉप्टर के द्वारा भी लोगों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर कम समय में बेहतर सेवा देने का काम हो सके। सर, आखिरी सवाल की यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे लोग जानते हैं कि कुल विधायकों की संख्या का 15% तक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग मंत्री बनाने का काम कर सकते हैं, और ये विशेषाधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री को। 15% के लिए हमारे यहाँ कई मंत्रियों का अभी संख्या शपथ दिलाई जा सकती है उत्तर प्रदेश में, और उसी के तहत यदि मुख्यमंत्री जिस दिन चाहेंगे, जिसे चाहेंगे मंत्री बना देंगे। विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का है। तो ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनसे हमने काफ़ी बातें की। तो ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच बेहतर। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।